शिव कुमार वर्मा ट्रेडर्स चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चाहे तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। चैनल का 5x5 रूल आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% तक का निवेश करने की हमारा चैनल सलाह देता है, यानी कि अगर 1,00,000 का पोर्टफोलियो है तो 5,000 तक आप निवेश कर सकते हैं एक इंडिविजुअल स्टॉक में। पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो कम से कम 5 अलग अलग पेनी स्टॉक को सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आपके पास शॉक एब्जॉर्बर्स रहें अगर कोई स्टॉक नीचे गिरता है तो। अगर हमारे पेड मेंबर बनना है तो 299 का एडवांस पैकेज ले सकते हैं यूट्यूब के पेड मेंबर बनकर। चलिए चलकर शुरुआत करते हैं। आपके लिए दो स्टॉक लेके आए हैं इस वीडियो में। सबसे पहला रहेगा DB रियलिटी और दूसरा स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। क्या इन स्टॉक में खरीदने का मौका बन रहा है कि यहां से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं? टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बताएंगे, साथ साथ में कुछ फंडामेंटल व्यू देखकर आपको सलाह देंगे क्या करनी चाहिए इन दोनों स्टॉक में। सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो देखिए, शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो है काफी इरोड हुई थी डीबी रियलिटी में। आपको याद होगा 2010 में इसका आईपीओ आया था और 80% तक इसकी वेल्थ इरोड हो गई थी आईपीओ इन्वेस्टर्स की। यहां पर अब थोड़ा सा शायद बैलेंस बनेगा इस स्टॉक में, काफी टाइम के बाद कंसोलिडेशन हुआ है और अब मोमेंटम शुरू हुआ है स्टॉक में आने वाला। 2,590 करोड़ रुपए के इनके प्रॉपर्टीज जो हैं अब सेलिंग के लिए तैयार हैं। जितनी मार्केट कैप है उससे ज्यादा अब ये अपनी प्रॉपर्टीज को सेल करेंगे। देखिए, मुंबई में एक बहुत बड़ा रीजन है इनका, मेट्रोपॉलिटन रीजन में, जिसमें लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपर कर रहे हैं काम। इनका प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट कंप्लीशन, जो 2023 में सारा का सारा डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगा। और डीबी ओजोन, जिसमें 25 बिल्डिंग है रेजिडेंशियल प्रोडक्ट, जो कि हमने जैसा बताया फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंप्लीट हो जाने की बात चल रही है, तो आने वाले 6 से 9 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये इसके साथ में जो प्रेस्टीज ग्रुप है उन्होंने भी अप्रूवल ऑफ 2 कमर्शियल टावर्स इन महालक्ष्मी मुंबई, तो ये कमर्शियल वेंचर जो है आगे चलकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भी बना रहे हैं। तो इस हिसाब से इनके कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो आगे इनको अदानी गुड होम के साथ भी 5 एकड़ का कॉम्प्लेक्स बींग प्लान्ड एज वेल। तो काफी बड़े लेवल की पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं इनकी यहां पर, और इन्होंने करंटली वैल्यूड जो है 2,500 करोड़ रुपए का इसकी करंट वैल्यूएशन है। कॉर्पोरेट का एक्शन विल ऑलवेज लीड टू पॉजिटिव वॉल्यूम, जो कि यहां पर वॉल्यूम ग्रो होगा स्टॉक में और काफी तेजी से इसका स्टॉक बढ़ेगा। हमारा व्यू है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको स्लोली ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करने का, परंतु प्राइस का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा प्राइस इसको आपको 3 स्टैगर्ड मैनर में 3 लेवल्स पर आपको इसमें निवेश करना है। वैल्यूएशन दृष्टि से ये फेयर वैल्यू रेंज के लोअर हिस्से में जितना खरीद पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा स्टॉक रहेगा। आइए जरा चलकर इसका टेक्निकल व्यू देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले डीबी रियलिटी की बात करें तो यहां पर इन्होंने काफी बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। पंडोरा प्रोजेक्ट है, एनालिस्ट और भी काफी इन्होंने अवेलेबिलिटी अगर देखी जाए इनकी तो यहां पर ओशन टावर में 4 BHK, 5 BHK, 1 महालक्ष्मी, 4 BHK, द क्राउन 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, तो काफी बड़े लेवल पर इनके प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। मार्केट कैप देखें तो 2,590 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डेली 5,00,000 शेयर हैंड एक्सचेंज होते हैं। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर, 2% से ज्यादा आपको निवेश करने की सलाह नहीं दी जाएगी यहां पर इस स्टॉक में। अब अगर देखें इसके रिवेन्यू का, देखिए 2020 और 21 काफी खराब साल माना जाएगा, यहां पर दोनों का एवरेज निकाल दिया जाए तो करीब करीब इसमें 80 से 90 करोड़ की सेल्स हुई है, जो कि अच्छी नहीं है। पर यहां पर 2022 में फिर से 219 करोड़, और यहां पर जो 2023 में एक्सपेक्टेड नंबर है वो 400 करोड़ की सेल्स का नंबर है, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी डिलीवरी हो रही है, तो उस हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की 2022 में थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी बनी है, पिछले 5 सालों में सिर्फ एक बार इसने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, तो ये मोमेंटम शायद कंटिन्यू रहेगा। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए, प्रमोटर के पास 65% होल्डिंग है, FII ने 5% के आसपास होल्डिंग लाके रखी है और पब्लिक की 31% की होल्डिंग है। डेब्ट की वजह से इन्होंने 51% अपनी होल्डिंग प्लेज भी की हुई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आगे स्टॉक का भाव,
तो देखिए 89 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास डीबी रियलिटी यहां पर आज ट्रेड किया है, अपर सर्किट में लगा है सुबह से ही। कंटिन्यूसली इसने मोमेंटम लगा के रखा है, कल लोअर सर्किट लगा था 85 का, आज फिर से अपर सर्किट लगा है इस स्टॉक का। तो काफी अच्छा मोमेंटम है, 50 रुपए से सीधे कंटिन्यूसली अपर सर्किट में लगते लगते ये काफी मोमेंटम स्टॉक चल रहा है। देखिए अगर आप पीछे से ट्रेंड देखें तो यहां से मूविंग एवरेज बढ़ना शुरू किया था 6 रुपए 7 रुपए के आसपास से, और ये अभी 200 मूविंग एवरेज 73 के आसपास चल रहा है, इसका हाई जो है 130 के आसपास बना हुआ है। तो मोमेंटम स्टॉक है, अभी मोमेंटम है इस स्टॉक में, तो काफी मोमेंटम तेजी से ऊपर बढ़ सकता है और भी स्टॉक। और सबसे पहला टारगेट राउंड नंबर 100 रुपए रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इस बात के लिए ध्यान रखिए। क्या ये ओवरबोर्ड जोन में आ चुका है, ये हम टेक्निकल पैरामीटर के माध्यम से बता सकते हैं, पर अभी अगर वोर्टेक्स इंडिकेटर को देखें तो क्लियरली बहुत स्ट्रांग बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है वोर्टेक्स इंडिकेटर से। यहां पर करीब करीब 1.25 के आसपास, 1.28 के आसपास इसने बाय सिग्नल मोमेंटम रखा। सुपर ट्रेंड का सपोर्ट जो है 77 के आसपास है, और यहां पर ओवरबोर्ड जोन में था ये, उसके बाद एक करेक्टिव मोड आया, बट फिर से अभी भी ओवरबोर्ड जोन ही इसका चल रहा है। यहां पर अगर मैग्डी को देखें तो मैग्डी ने यहां पर बाय सिग्नल जनरेट किया था जिसका भाव उस टाइम पर करीब 60 रुपए के आसपास था, अभी ये 90 रुपए के आसपास चल रहा है, तो 50% का ग्रोथ इसने दिखाया है सिर्फ एक पैरामीटर के बेसिस पर। बुलिंजर बैंड का बैंडविड्थ काफी नैरो हो चुका था यहां पर, देखिए काफी कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिखाया है जो कि एक काफी पॉजिटिव मोमेंटम है, 72 के आसपास ब्रेकआउट चला गया है, तो ये थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में है। सारा पैसा करंट मार्केट पर मत लगाइए, अगर बुलिंजर बैंड को फॉलो करते हैं तो देखिए यहां से अगर ये नीचे गिरता है और ये ऊपर जाता है तो हो सकता है 75 के आसपास इनका संगम, और वहां पर काफी अच्छी एंट्री बनती है इसकी इस स्टॉक में। दूसरा स्टॉक जो आपके लिए लेके आए हैं वो है दीपक नाइट्रेट का। दीपक नाइट्रेट में इन्होंने शुरुआत में काफी प्रॉब्लम थी, डेप्ट और इक्विटी का बहुत ज्यादा चैलेंज था, डेप्ट बहुत ज्यादा 2019 में, बट उसके बाद इन्होंने डेप्ट को कम करना शुरू किया, 2022 में डेप्ट घट गया है काफी और इक्विटी की वैल्यू ऑलमोस्ट 35 बिलियन के आसपास हो गई, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जीरो इसको कह सकते हैं, 1% के आसपास यहां पर 10% के आसपास चल रहा है ओवरऑल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि बहुत अच्छा पैरामीटर माना जाएगा और आगे भी इसको कम करके लेके जाएंगे हमारे हिसाब से। अगर हम देखें इनके प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ेंगे रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफी तेजी से बढ़ेगा। ब्रोकर्स का व्यू इसको बाय की रिकमेंडेशन का है, आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में दीपक नाइट्रेट को लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए एक केमिकल सेक्टर स्टैक में अपने पास रख सकते हैं। सेल्स अच्छी है बट मार्जिन का थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है, रिटेल लोग 2 से 5% का ही निवेश कीजिएगा। अब देखिए यहां पर OMA 40, दे आर द फर्स्ट वन टू कमर्शियली ऑफर, जिसका आगे चलकर लॉजिस्टिक्स भी इन्होंने प्रोवाइड किया है यहां पर, तो उस हिसाब से काफी इनोवेट करते हैं, काफी प्रोडक्ट है इनके। मार्केट कैप देखी जाए तो 29,000 करोड़ की मार्केट कैप है, डिविडेंड भी देती है कंपनी, 8 लाख शेयर डेली हैंड एक्सचेंज जिसमें से 27% की डिलीवरी है, तो एक मिड कैप की तरह से ट्रीट कीजिएगा और मैक्सिमम 5% तक की इसमें लिमिट आप निवेश कर सकते हैं यहां पर। अगर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है दीपक नाइट्रेट ने, 1,600 करोड़ से बढ़कर 6,800 करोड़ का यहां पर इन्होंने दिखाया, 4 टाइम्स रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आया है, जो कि एक तरह से स्टार परफॉर्मर्स की तरह से हमारे हिसाब से इसको ट्रीट करना चाहिए। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो 2018 में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 79 करोड़ की थी, जो बढ़कर यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ की हो गई, तो प्रॉफिटेबिलिटी में 15 गुना का इजाफा आया है 4 सालों में। दिस इज अ 2-स्टार परफॉर्मर हमारे हिसाब से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत बढ़िया तरह से बढ़ रहा है इस स्टॉक में। यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए, प्रमोटर के पास 45% होल्डिंग, FII के पास 9%, DII के पास 10% और पब्लिक आप और हम जैसे लोग 34% की होल्डिंग बना के रखे हुए हैं इस स्टॉक में। यहां पर आइए जरा चलकर अब देखते हैं इसका दीपक नाइट्रेट का क्या हो रहा है आगे का खबर। तो दीपक नाइट्रेट फ्यूचर ऑप्शन का भी स्टॉक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आज मोमेंटम काफी अच्छा था, 2,184 का लेवल पर गया है दीपक नाइट्रेट। यहां पर अगर 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज को देखें तो इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर था तो 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया और ये बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिखाकर ऊपर चला है। इसमें सबसे पहला टारगेट 2,400 रुपए का है अभी यहां से, अगर आप शॉर्ट टर्म के एक हफ्ते का टारगेट देख रहे हैं। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न पर देखें तो मोमेंटम के साथ बढ़ना क्लियर इंडिकेट करता है, जैसे यहां पर पहले बढ़ा था और इसने भाव करीब करीब 2100 के आसपास पहुंच गया था, जब 1900 से तो 200-300 रुपए इसमें आराम से, 2000 के आसपास इसमें 200 रुपए के आसपास आराम से बढ़ सकता है, 2400 के आसपास ये जाने की उम्मीद लगा जा सकते हैं हम लोग। यहां पर वोटेक्स इंडिकेटर ने बाय सिग्नल जनरेट कर दिया है इसका, जो कि पॉजिटिव मोमेंटम है 1.08, और सुपर ट्रेंड को देखें तो सुपर ट्रेंड के बेसिस पर इसने बाय सिग्नल बनाया हुआ है 19357 के आसपास, और यहां से मैग्डी
को अगर देखें तो मैकडी ने भी बाय सिग्नल जनरेट किया है। आरएसआई हालांकि 72 के आसपास, जो थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन है, सारे स्टॉक एक साथ मत खरीदिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में अगर बुलिंजर बैंड को देखें तो बैंड की बैंडविड्थ जो है काफ़ी नीचे थी, अब ये मोमेंटम के बाद बढ़ना शुरू हुआ है, बैंडविड्थ ऊपर जाएगी, बैंडविड्थ जाकर 22-25 तक जा सकती है, तो इसका मतलब अभी इसमें स्कोप है ऊपर जाने का और भी थोड़ा सा। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स 2400 के टारगेट के लिए रख सकते हैं इसको, और लॉन्ग टर्म के टारगेट अगर ये गिरता है फिर से 2100 के आसपास तो आप इसमें फिर से एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय।